चलो चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो मैन। तो राम राम मेरे भाई, सारे भाई है ना, सारी बहन ना, ऊपर दी बैठ, सब सेफ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आगे गुरने वीडियो लेगा। आज की वीडियो में तो हमने बताएंगे कि हाउ टू बी अ टैक्सी ड्राइवर और ऊबर ड्राइवर। तो आप टैक्सी में और ऊबर में कैसे तो अप्लाई कर सको, हाउ टू अप्लाई एज अ ऊबर ड्राइवर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जिस भाई ने ऊबर का अकाउंट ओपन करना है जो न्यू है ऑस्ट्रेलिया में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ऊबर का, आप उस पर क्लिक करके अब जाएगा अपना अकाउंट साइन अप कर सको, ठीक है। अपना उसमें बोनस भी मिलेगा $1,000 या $500 का, ठीक है। मैक्सिमम 500 का मिलेगा, बट काफ़ी बच्चों को 1,000 का भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, ठीक है। आप कौन सी सिटी में जा रहे हो, कौन सी लोकेशन पे जा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है वो सारा। तो टैक्सी का मैं आपको बताऊँगा भाई, आप टैक्सी में कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या सिनारियो है, कितने पुराना लाइसेंस चाहिए, कितना ऑस्ट्रेलिया में आपका स्टेबिलिटी होनी चाहिए भाई, कितने दिन हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, तो सब बताते हैं इस वीडियो में। अभी मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट पे, मैं उबर चला रहा हूँ, तो अभी दिखाता हूँ आपको और देन फिर आपको बताता हूँ। एंड जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये अपनी टेस्ला, ये गणेश महाराज, और अभी टाइम हो गया शाम के 6:26। मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट पे, ये देखो ऊपर बादल कैसे हुए पड़े हैं, मौसम बड़ा भयानक है, ठीक है। तो काफ़ी बंदे खड़े हैं अभी टैक्सी और अभी ऊबर पे, टैक्सी का दूसरा होता है बे, ये ऊबर गया, ठीक है, और इनके साथ मैं भी खड़ा हूँ। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ऊबर की, बिकॉज मैं ऊबर करता हूँ, ठीक है। तो ऊबर की बात कर लेते हैं, टैक्सी की भी इसके बाद इसी में मैं लपेट दूंगा बात को, डोंट वरी। तो हाउ टू बी अ ऊबर ड्राइवर इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक फुल ऑस्ट्रेलिया में, पूरा रेस्ट ऑफ द होल ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाओ एक ही सिनारी होता है, यानी कि वहाँ पे दूसरी स्टेट में कुछ और डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पे कुछ और नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं से भी आ रहे हो, ठीक है, आपको ऊबर का अकाउंट सबसे पहले बनाना आके, ठीक है। तो जैसे आप आ जाते हो ऑस्ट्रेलिया में, एंटर किया आपने ABNTFN, अप्लाई किया, देन आप अपना ऊबर का अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो ऊबर का अकाउंट आप किसी भी व्हीकल को डाल सकते हो, अगर आपको ऊबरइट्स का डालना है तो ऊबरइट्स का भी आप अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं ऊबर एक्स की और टैक्सी की, ठीक है। तो ऊबर एक्स को जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो, सबसे पहले आपको लाइसेंस अप्लाई करना है। जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं उनका सिनारियो कुछ ऐसा है, आपके पास सी क्लास ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस होना चाहिए, डजेंट मैटर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, डार्विन, और कहीं का भी हो आपके पास, डजेंट मैटर, आपके पास फुल सी क्लास लाइसेंस होना चाहिए, जो कि सिर्फ गाड़ी का है। अगर आपके पास जो लाइक हैवी व्हीकल है या HR का है, MR का कुछ भी है, उस पे तो आप इजीली चला सकते हो। तो सिनारियो ये है ऑस्ट्रेलिया में, पहले आपके पास सी क्लास लाइसेंस होएगा, फिर आपको साइन अप करना है अपनी, आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए, वेरीफाइड जीमेल, आपके पास ऑस्ट्रेलियन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे ये सब चीज़ें डाल के, फिर आपकी एक नॉर्मल फोटो जाएगी, आपकी फ़ोटो अपलोड होगी ऊबर के अकाउंट पे, जो हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है उस कुछ वैसी वाइट बैकग्राउंड में, तो आपको वो अपलोड करनी है, जो कि आपकी पर्सनल फ़ोटो भी होगी ऊबर अकाउंट पे, वही शो हुआ करेगी एज अ कस्टमर को। तो ये सिनारी होता है ऊबर का। अब कर लेते हैं बात टैक्सी की, ठीक है। और ऊबर में आपको, जब आप ऊबर में अप्लाई करोगे, ठीक है, आपके पास 3 साल का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी आप, डजेंट मैटर, आपके पास 3 साल का बैक टू योर होम कंट्री पुराना लाइसेंस होना चाहिए, इट्स अ मैंडेटरी। एंड इफ यू आर 21 ईयर्स ओल्ड, सो इट्स गुड, इफ यू आर नॉट, सो आपको वेट करना पड़ेगा 21 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज इट्स अ एलिजिबल, लाइक एलिजिबिलिटी 21 ईयर्स ओल्ड की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बिकॉज जब आप 18 साल के होते हो, सिनारियो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जब आप 18 साल के होते हो, ठीक है, 18 साल होने के बाद आपके पास 3 साल होते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास बैक टू योर होम कंट्री या कोई भी कंट्री उसका लाइसेंस हो, उसकी आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए 3 साल की, बिकॉज आप वेल ड्राइवर, लाइक आप किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, अच्छे से उसको ड्रॉप आउट करके अपना सेफ्टी से तो अपनी जॉब निभाओगे, कुछ ऐसा सिनारी होता है उसको। जब आपका 3 साल का पूरा लाइसेंस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में DOT में जाके आपको PTD अप्लाई करनी पड़ती है। PTD इज़ अ पैसेंजर ट्रैवल डिक्लेरेशन। तो PTD ये होती है, जो पैसेंजर ट्रैवल डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेरेशन, व्हाट डू मीन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन वो होता है कि हम किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ को डिक्लेयर करता हूँ, मैं इस बंदे को सेफ्टी से घर पहुँचाऊँगा या कुछ भी, एज अ ऊबर की सिनारी में मैं बता रहा हूँ, डिक्लेरेशन कुछ भी हो सकता है, बट मैं ऊबर की सिनारी से बता रहा हूँ। एज अ टैक्सी, आपको टैक्सी में भी सेम PTD चाहिए, ठीक है।
पीटीवी गाड़ी की होती है, ठीक है, वो गाड़ी का जो आप रेंटिंग करोगे वो रेंट वाला बंदा देगा, मेरी ओन है तो मैंने खुद से कराई है। आपका मेडिकल होएगा उबर में, जो हमारा लाइक वीज़ा के रिगार्डिंग होता है जब, बट यहाँ पे आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपका 5 साल का मेडिकल होएगा सिर्फ एक बार जिंदगी में, 5 साल का मेडिकल, $100 उस पर लगता है, पीटीडी पे लगता है $100-150, $250 हो गया। और पीटीवी आपको अगर रेंट पे लोगे गाड़ी तो आपको पीटीवी वो देगा, अगर आप टैक्सी रेंट पे लोगे पीटीवी वो ही देगा, बट टैक्सी में पीटीवी आपको नहीं चाहिए, पीटीवी ऑलरेडी उनकी अप्रूव हुई होती है इसलिए, तो जब भी वो टैक्सी लाइक रन होती है एज अ उस पर। तो सिनारियो कुछ ऐसा ही है मेरे भाई, आप टैक्सी और ऊबर को हायर कर सकते हो लाइक एज अ कार को, ठीक है, गाड़ी को आप हायर कर सकते हो किसी भी कंपनी से। जैसे मैं पर्थ में रहता हूँ, यहाँ पे 13 कैब्स है, ब्लैक एंड वाइट है, 13 स्वान टैक्सी है, बहुत सारी टैक्सीज है यहाँ पे, बट मैं टैक्सी नहीं चलाता, मैं अपना ऊबर चलाता हूँ, बिकॉज टैक्सी का फेयर और ऊबर का फेयर प्रीटी सेम है। मेरे पास टेस्ला है, अगर मैं प्रीमियम की राइड लेके जाऊंगा टेस्ला और टैक्सी जैसी सेम $10-5 का ऊपर नीचे फर्क रहता है, तो इतना मेरे को मैटर नहीं करता, तो मैं मेरे को पसंद नहीं है कि मैं वेट करूँ। टैक्सी में आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप सिटी में कर रहे हो 1-1.5 घंटा, एयरपोर्ट पे करें 2-2.5 घंटा मैक्सिमम लग जाता है एक जॉब के लिए, बट एज अ ऊबर ड्राइवर 1 घंटे में आप 3 जॉब कर लोगे, एज अ टैक्सी 1 घंटे में आप एक ही जॉब करोगे, मैक्सिमम 2 घंटे में एक जॉब करोगे। बट सिनारियो कुछ ऐसा होता है, ऊबर में आप 3 जॉब करोगे 1 घंटे में, लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 जॉब कर रहे हो 1 घंटे में और $15 आपको मिल रहा है एक जॉब का, तो आपको हो गया $45, और वही अगर टैक्सी वाले को एक जॉब लगेगी 15 या 10 किलोमीटर की, वो उसके 45 बना लेगा। तो ये सिनारियो होता है, पैसा बिल्कुल सेम बनता है, डिपेंड करता है आप पे कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये सिनारियो ऊबर एंड टैक्सी का, आपको गाड़ी चाहिए, पीटीवी चाहिए, पीटीडी चाहिए, मेडिकल चाहिए, मेडिकल जस्ट वन टाइम ओनली, तो मेडिकल जो आपका वो आप DOT का अकाउंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ से हम अपना लाइसेंस प्लेट लेते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, हर चीज़ वहाँ से, तो वहाँ से हमारा वो अप्रूव होगा, वहाँ पे मेडिकल वो अप्रूव होगा हमारे DOT अकाउंट पे, बस वो वहीं तक सिनारी होता है उसके बाद आप फ्री हो, तो आफ्टर दैट यू कैन ड्राइव UberX एंड टैक्सी whatever यू लाइक इट। सो ये सिनारी हो जिस बाइक ऊबर का अकाउंट साइन अप करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ लिंक को देखो और उस पर साइन अप करो, ठीक है। तो ये थी वीडियो गाइस, होप फॉर द बेस्ट आपको पसंद आई होगी, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखें, और जिस भाई की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट डालो मुझे, कमेंट लिखो, फिर मैं उस क्वेरी पे फर्दर एक्शन लूंगा या वीडियो बनाऊंगा या आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।